गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ क्योंकि जो हमने मिशन बनाया था पतला होने के लिए, फाइनली हमने उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज हमने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की क्योंकि पहला दिन था, ज़्यादा करते तो परेशान हो जाते। उसके बाद हम बैठ के डाइट प्लान बना रहे हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे वर्कआउट करना है। और इतने सीरियसली होके हम ये काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम आज ही पतले हो जाएंगे। अब देखते हैं ये डाइट प्लान हमारा कितने दिन तक चलता है, कितने दिन क्या आज भी चल पाता है या नहीं। तो आज हमारी कोई भी मॉर्निंग में क्लास नहीं है। आज क्या मतलब, पूरी वीक हमारी मॉर्निंग में कोई भी क्लास नहीं है, सीधे हमारी 8 बजे क्लिनिकल पोस्टिंग ही है। ब्रेकफास्ट करने के लिए हम बाहर आए, तो मैं आज एक नई जगह एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स हमेशा यहाँ पे आते हैं बट मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ यहाँ पे। ये है LRH यानी कि लेडी रेजिडेंट हॉस्टल। यहाँ पे वैसे तो डॉक्टर्स रहते हैं बट नर्सिंग स्टूडेंट्स भी यहाँ पे रहते हैं। दोनों हमारा कॉलेज और ये हॉस्टल इंटरकनेक्टेड है, तो हम सुबह यहीं पे आ जाते हैं फिर कॉलेज चले जाते हैं। तो आज मूंग दाल का चीला मंगवाया और चाय तो छूट नहीं सकती, वो तो मस्ट है। बहुत बुरी लत लग गई है आज सुबह सुबह चाय की, छूटती ही नहीं है। सुबह 8 बजे हम अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग पे निकले हैं। अब कार्डियोलॉजी में पोस्टिंग लग गई है और 8 बजे ही OPD में कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो कुछ लोगों की पोस्टिंग ICU इमरजेंसी ओल्ड बिल्डिंग में लगी है और कुछ लोगों की न्यू बिल्डिंग में लगी है। तो मेरी पोस्टिंग कार्डियोलॉजी जो ICU है न्यू बिल्डिंग में, वहाँ पे लगी है। ये है इको रूम और देन अभी हम आगे वार्ड में जाएंगे। आज इतना ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा काम था और ड्रग प्रेजेंटेशन भी थी। मैम नहीं आ पाई बट आज हो नहीं पाया प्रेजेंटेशन, वरना आज बहुत ज़्यादा काम था। तो आज बिल्कुल भी कोई भी पेशेंट को या फिर डिजीज़ कंडीशन देखने का मौका नहीं मिल पाया। कोशिश करूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में किसी पेशेंट के बारे में या फिर किसी डिजीज़ के बारे में आपको बताऊँ। फिर न्यू बिल्डिंग में अटेंडेंस देने के बाद ओल्ड बिल्डिंग पहुँचे, वहाँ पे अटेंडेंस दी और आज ही से ठूसने का काम स्टार्ट हो गया है। आज ही वर्कआउट स्टार्ट किया और आज ही से। मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, उसको फिर मैंने चॉकलेट दी, बहुत भारी मन से दी, मैं किसी को चॉकलेट देती नहीं हूँ। और उसके बाद मैं उससे मांग के खुद ही खाने लगी। हमें एक दिन पहले से ही इंस्ट्रक्ट किया गया था कि कल कोई भी लंच टाइम में अपने हॉस्टल नहीं जाएगा क्योंकि कॉलेज में ही आज एक छोटी सी पार्टी थी। और ये हैं हमारे क्लास के कुछ रिस्पॉन्सिबल बच्चे जो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, सबको खिला पिला रहे हैं। तो ये पार्टी किसने दी है, क्यों दी है? तो वैसे ये पार्टी हमें मिली है हमारे प्रमोशन के लिए, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर से अब सेकेंड ईयर में चले गए हैं, हम सीनियर्स बन गए हैं। और ये पार्टी हमारे फर्स्ट ईयर की मैम ने दी है। बिना फ़ोटो की तो कोई भी पार्टी इनकम्प्लीट होती है। हमारी फार्मा की क्लास थी, वो अटेंड किया। और जो मेरा असाइनमेंट नहीं बना हुआ था बहुत ज़्यादा काम की वजह से, मैंने क्लास में ही बनाया, जब भी टाइम मिला थोड़ा बहुत वो बना लिया, ख़त्म कर दिया, देन सबमिट किया। और अभी अटेंडेंस का चक्कर चल रहा है। शाम को गए पंचिंग करने के लिए। वैसे पूरा दिन तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा काम था, बट खुशी इस बात की है कि आज हमें कोई भी असाइनमेंट नहीं मिला है लिखने के लिए, कोई भी फाइल नहीं मिली लिखने के लिए। तो आज हमारी शाम पूरी फ्री है। वैसे हॉस्टल जाके सबसे पहले सोने का काम होगा और शाम को हम निकल पड़े घूमने फिरने के लिए। वैसे जब हम यहाँ पहले आए थे तो यहाँ पे अक्सर आया करते थे, बट अभी इतना हमारा बिज़ी शेड्यूल है, इतना काम होता है कि यहाँ पे आने का मौका ही नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे घूमने टहलने के बाद फिर हमने बनाया बर्थडे। ओके, बाय बाय।